speaking, what is the size of the students that we are talking about here who are getting affected because of these examinations? And what is the solution that you want? इसमें तो नंबर बहुत बड़ा है. जैसे सरकार ने सीटी की बात करी है तो उसमें एक्सपेक्टेड है कि लगभग 30 मिलियन स्टूडेंट्स की बात हो रही है सरकारी नौकरियों के लिए. और ये नंबर कहीं बहुत बड़ा है, इससे बड़ा, क्योंकि उसमें भी 10th लेवल के बच्चे भी होंगे. तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा नंबर है, छोटा नंबर नहीं है. लगभग 10 करोड़ लोग शायद इससे जुड़े होंगे मेरे ख्याल से. मेरे पास एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है. सो सोल्यूशन पहले तो ये है कि एक इंटेंशन होना चाहिए. जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उनको लगता है कि उनका एजेंडा ही नहीं है. वो बच्चों को फ्रस्ट्रेट करने के लिए बैठी हैं. एक एग्जाम का प्रोसेस कंप्लीट करने में अगर 3.5 साल लगेंगे. अभी मैं आता था उसके पहले मुझे पता लगा कि हरियाणा में कोई एग्जाम है वो 5 साल के बाद निरस्त कर दिया गया. थोड़ी देर पहले का ये ट्विटर पे मैंने देखा है. बिहार में सुने आया कि एग्जाम 10 साल बाद उसका मेंस था बाद में कैंसिल हो गया. तो कोई इंटेंशन ही नहीं है. सिर्फ वादे करने से कुछ नहीं होगा, डिलीवर करना पड़ेगा. बच्चा यहाँ ये नहीं करेगा कि सारे बच्चों को सरकारी नौकरी मिल सकती है, लेकिन उसको ये भी पता लगना चाहिए कि मेरा नहीं हुआ है. उसको वो फेयर चांस होगा. आप एग्जाम को 4 साल लटकाए रहोगे, वो उसमें लटका रहेगा. उसके बाद उसके पास ये भी मौका नहीं होता है कि वो कोई और स्किल गेन करे, प्राइवेट सेक्टर में ट्राई करे. सो टाइम बाउंड एग्जाम्स, एक जब नोटिफिकेशन आता है तो हर चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको डिलीवर करना है, कब एग्जाम लेना है, कब रिजल्ट देना है. अगर वो रिजल्ट उस टाइम पे नहीं दे पाते तो दिस विल बी आंसरेबल. एजेंसी जैसे बिहेव करती है जैसे वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के प्रति नहीं, वो जवाब देंगे ही नहीं आपको.